हाय हेलो प्रणाम पलाग दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ के लेलो गांव से। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी मड़वा घोड़ने के लिए, आज है मेरी बारी। और रेखा चाची आ रही है, लविसा नीचे से आएगी, तो मैं यहाँ पर रुकी हूँ रेखा चाची के लिए। तो चलते हैं मड़वा घोड़ने के लिए। 1 बजे तो दोस्तों आने लग गए हैं। देखो हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये देखो पीछे से आ रही है लविसा, उसके पीछे है का कर रेखा चाची। धूप लग रही है आंखों में, दिख नहीं रहा है कुछ। और लवी नहीं लाई है, डुक्का नहीं लाई है। अब गौरी को दे दिया मौसी के घर में, अब इसको घास की जरूरत नहीं है, ये घास हमारे लिए लाएगी अब। हाँ लवी, ये देखो लवी लाई है अंगूर। हम पहुंच गए हैं खेत में, आज मेरा घोड़ना है। पहले इसकी बारी थी, फिर इसकी बारी थी, अब मेरी बारी है। आते ही धूप लग गई तो पानी हम लाए नहीं है। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। कल बिचारी थी धूप, पानी बारिश थी, पानी बारिश। आज ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। हाँ बारिश ही है मुझे, हमने धान धोपे सुबह। तो बड़े दिख रहे, वो देखो हमारा गांव कितना प्यारा लग रहा है। वो सुमन का घर भी है वहां पर, आई नहीं है अभी। ऐसा हो रहा है, मैं ना हो रहा है ऐसा, मैं लग रहा लग मैं गोगा और भट्ट निकाले ले मेरे। अब उठकर निकालना था ना, बाद में निकाल लो। अब यो गोड़ा मजान देख ले, गोड़ा शुरू करना। और मड़वा है नी, ये देखो भट्टे इतने बड़े हो रहे हैं भट्टे। ये देखो और ये देखा चाची और लवी गोड़ना शुरू कर दिया है इन्हें। और वहाँ पे आई है जानकी दी, जानकी दी भी गोड़ रही है मड़वा। अभी आने वाली है रिशु भी। और दोस्तों देखो हमारे मांगे में बकरियां लगा रखी हैं, वो देखो। मौसम आज बादल लगा है और धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। और हमारा गांव देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो किरा नहीं हो रही मड़वा गोड़ना, यही तो सारण। शाम हो चुकी है, बज गया है 7 और जाने लग गए हैं हम लोग घर को। और आधा ही खेत बना पाए हम लोग, क्योंकि बड़ा खेत है वहाँ पे, तो मड़वा इधर उधर फेंक चुके हैं हमको। निशु और निशु की मम्मी देखो, ये देखो, ये देखो, ये इतना अच्छा बना रही है जानकी दी गोड़ के। और ये देखो निशु भी है, ये तो कामदारी ठहरी। लविशा की बारी देखो। हेलो गाइस, लोग ये देखो। और ये अचार बनाने वाला भी है यहाँ पे। क्या बोल, क्या बना लिया अचार बता देते हैं। चल मड़ा को पोरू ने देखे थे। तो देखो दोस्तों घास का अकाल पड़ गया है हमारे गांव में। अब ये दूरा जाने की तैयारी हो रही है, कल को बातचीत कर रहे हैं है? ये देखो कल जा रहे हैं ये लोग दूरा घास काटने के लिए। और यहाँ भी देखो कितने लोग हैं, ये माया चाची ने भी रख दिया है सिर में, कर दिया खत्म कर दिया है ना।
पवन पहाड़ी जा हम न देखना है हमोले देख दिया नेली देख दिए अभी ब्लॉगिंग अब ये लवी लेगी और ये नीरू एक राल करेगी बोलो हाँ ये ऐसा चीका कहना है कि पवन पहाड़ी छोड़ रहा है और नीरू इगराल और लवी नेगी करने वाली है ब्लॉगिंग अब देखो दोस्तों माया चाची जो बोल रही है हम भी पवन पहाड़ी की जगह पे पहुंच जाते तो बहुत ही अच्छा होता काश ये इनकी बात सच हो जाती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता लवी के लिए भी और मेरे लिए भी इनके मुंह में घी शक्कर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं घर में और देखो मम्मी बोल रहे हैं हमारे आड़ू की भी बना वीडियो करके तो मैं आ गई यहाँ पे इसके वीडियो बनाने के लिए। देखो आड़ू अभी कच्चे हैं पके नहीं हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं सुंदर। तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो की समाप्ति भी यहीं पे कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट करना। तो आजकल वीडियो ज़्यादा बनाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं रोज़ खेतों का दिखा रही हूँ तो कोई बोलते होंगे कि रो रोज़ ये खेतों का ही दिखाती है करिए तो क्या अब हम इससे ज़्यादा कर क्या सकते हैं इधर उधर जाएंगे तो वो दिखाएंगे आपको। तो हमारी दिनचर्या तो यही ठहरी ये। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाय।